नमस्कार। अमेरिका गए इंडियन प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग बहुत अच्छी रही। बहुत सारी चीजें डिटेल्स में सामने आई, लेकिन फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बराक हुसैन ओबामा, उन्होंने एक ऐसी चीज बोल दी जिससे कि खलबली मची, न केवल अमेरिका में सर पर इंडिया में भी। उन्होंने ये बोला कि इंडिया को अपने मुस्लिम्स को पे ध्यान देना चाहिए और इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ आसिफ दाऊदी साहब है, इंडियन, रहते हैं सऊदी अरेबिया में, वहां पे टीचर हैं, लेक्चरर हैं और एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल अफेयर्स में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। सर ये जो बराक हुसैन ओबामा साहब बोले, ये क्या उन्होंने अपनी मर्जी से बोल दिया और क्या वाकई में ऐसा कुछ है कि अगर उन्होंने मतलब इंडिया में माइनॉरिटीज पे इतनी जुल्म हो रहे हैं कि इंडिया कोलैप्स कर सकता है? देखें, सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने अपने शो पे बुलाया। काफी दिनों के बाद आपके शो पे आया हूँ। टॉपिक भी अच्छा है। जहाँ तक सवाल आपका है कि उन्होंने अपनी मर्जी से बोला है या नहीं, इंडिया में ऐसा हो रहा है या नहीं, और क्या इंडिया कोलैप्स कर सकता है, तो सबसे पहली बात तो बताऊं, ऐसा तो लग रहा है कि उन्होंने अपनी मर्जी से ही बोला है। किसी तरीके का कोई ऐसा मुझे दूसरा दबाव नहीं। कुछ ऐसे हालात सिचुएशन हो सकते हैं कि अभी जब पीएम वहां पे गए थे, तो ऐसी सिचुएशन में जब चीजें बोली जाती हैं तो वो ज्यादा नोटिस होती है, लोग उसको ज्यादा देखते हैं, क्योंकि हालात और टाइमिंग्स मैटर करती हैं। दूसरी चीज है कि इंडिया में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पे मैं यही बोलूंगा कि सालों से मैं इंडिया में, जाहिर है, एक प्राउड इंडियन होने के नाते मुझे बड़ा गर्व होता है इंडियन होने के नाते। हम देखते हैं दुनिया में भी कैसे हमें इज्जत मिलती है और किस तरीके से हमने खुद अपने हिंदुस्तान के अंदर बचपन से लेके अब तक ये देखा है कि जो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है, जो एक प्यार मोहब्बत ब्रदरहुड ये सब चीजें मिलती हैं, वो बेमिसाल है। मैं उसका बेनिफिशियरी भी हूँ। और जो मेरिटोक्रेसी है, जो हिंदुस्तान के अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आपको कोई भी पोजिशन, कोई भी जॉब मिल सकती है, कोई आपको नहीं रोक सकता, और जो भी बेनिफिट्स होते हैं गवर्नमेंट की वो भी सबको मिलती है। तो इस तरीके की चीजें तो इन जनरल नहीं है, लेकिन चूंकि कई ऐसे मामला आए हैं, जैसा आप जानते हैं कि आजकल पूरी दुनिया की नजर हर एक दूसरे के ऊपर रहती है, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, और सोशल मीडिया की वजह से और भी चीजें जो है बहुत ही मुट्ठी में आ गई। कुछ भी छोटी बड़ी चीजें होती हैं तो वो दुनिया में बहुत आसानी से, बहुत सेकेंड्स के अंदर फैल जाती हैं। कुछ ऐसे मामला रहे हैं जहां पर हमने देखा है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो एक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की जो एक बात होती है, वो बहुत ज्यादा अहम है। लेकिन कुछ चंद महीनों या सालों की अगर बात करें, चाहे आप नरसंहार की बात कर रहे हैं, चाहे आप जब लिंचिंग की बात करते हैं, चाहे आप ऐसी कोई बातें करते हैं जो जाहिर है कि हर जगह नहीं है, पूरी जगह पे ऐसी चीजें नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे लोग जो हमारे प्रधानमंत्री और जो हमारी सरकार की जो एक एक मिशन है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास जो चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं डेंट लगता तो है। पूरी दुनिया की नजर तो रहती है। एक तो हमारे एडवर्सरीज, आप खुद पाकिस्तान पे कितना काम करते हैं, आपके शोज होते हैं, आप जानते हैं कि कैसे लोग मौका ढूंढते हैं कि कहीं से, कहीं ना कहीं से ऐसी चीजें मिले कि इन तमाम चीजों को बस किया जाए, पंक्चर कर दिया जाए। अब वैसी सिचुएशन में अगर आपके वहां पे कुछ वैसे लीडर्स हों या कुछ ऐसे लोग हों जो, चले, एक तो फ्रिंज एलिमेंट होता है, वो कुछ भी कहते हैं उनका कोई वो नहीं होता। लेकिन अभी जैसे आपको मैं एक मिसाल दूं कि जो हेमंत विश्व शर्मा ही की बात चल रही, 2 दिनों से बहुत ज्यादा चल रही है, अब 24 घंटे हुए नहीं थे और उन्होंने जो है वो एक ऐसा ट्वीट दिया जो आपत्तिजनक है। मैं खुद उस पर आपत्ति दर्ज करवाता हूँ कि जब एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री पूरी दुनिया के अंदर जाके अपना डंका बजवा रहे हैं, मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, और वैसे में लोग वहां की प्रेस और मीडिया ऐसे सवालात भी खड़े करे, कहते हैं ना, नो वन कैन राइड योर बैक अनलेस इट इज बेंट, तो ऐसे लोग जो हैं वो जरूर मौका देते हैं ताकि लोग जो हैं हमारे उस कमजोरी का फायदा उठाएं। लेकिन ऐसे बहुत सी मिसालें हैं जिस पे कंट्रोल होना चाहिए, जिस पे चेक लगना चाहिए, जिस पे ये कहना कि इतना बड़ा मुल्क है हिंदुस्तान, इतना बड़ा, और पूरी कंट्रीज में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स मसाइल होते रहते हैं, ठीक उसी तरीके से ये कहना कि बिल्कुल 100% कोई चीज ठीक हो, वो मुनासिब नहीं है, लगता है कि हाइपोथेटिकल होता है। प्रॉब्लम्स तो होती है, एक छोटे से फैमिली में, घर में प्रॉब्लम्स होती है, इतने बड़े मुल्क में कैसे नहीं होगी प्रॉब्लम। लेकिन ये कहना कि नहीं है प्रॉब्लम, और उन प्रॉब्लम्स को वो लोग जो घी डालते हैं, आग को और ज्यादा बढ़ाते हैं, प्रॉब्लम वहां पे है।
और उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि जब हमारे यहाँ पे एक मिशन चल रहा है, लोग कोशिश कर रहे हैं कि यूनिटी रहे, प्यार मोहब्बत बना रहे, वैसे में कुछ लोग जो ऐसा मौका देते हैं वो ऑब्जेक्शनेबल है। एक चीज जो बराक हुसैन ओबामा की थी, जिसपे मैं खुद भी इत्तफाक नहीं रखता हूँ और जिसको मैं ऑब्जेक्शनेबल भी मानता हूँ, वो ये है, आपके शो के जरिए आपके व्यूअर्स को भी बताना चाहूंगा कि कभी भी किसी भी हालत में किसी भी वक्त में हिंदुस्तान कभी पुल आउट नहीं हो सकता। हिंदुस्तान में जो यूनिटी है, हिंदुस्तान में जो एकता है, हिंदुस्तान में जो आपसी प्यार है, हमारे से जो दिखा है, ये यहाँ की बहुत बड़ी ताकत है। हिंदुस्तान का संविधान, वहां के जो हिंदू मुस्लिम एकता, ये इस पे कोई डेंट लगाने की जो कोशिशें चलती हैं उसके बावजूद भी कभी टूट नहीं सकता। और कोई अगर ऐसी बात करता है तो वो गलत है, मैं उस पे ऑब्जेक्शन रेज करता हूँ। लेकिन मैं साथ साथ ये जरूर कहना चाहूंगा कि जो जहां पे थोड़ी बहुत त्रुटियां हैं, जहां पे प्रॉब्लम्स हैं, और जो वैसे लोग जो नरसंहार की बात कर जाते हैं, वैसे लोग जो कहीं ना कहीं इन मुद्दे को पॉलिटिकल बना देते हैं, पोलराइज करते हैं, या इसमें एक हेट्रेड की जो एक चीज आ जाती है, जो मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया उस पर नजर बनाए रखती है, तो वहां पे प्रॉब्लम जरूर आती है। उन चीजों पे वर्क करने की जरूरत है, जहां हम एक तरफ से विश्व गुरु बनने की तरफ वो हो रहे हैं। देखें आप आज की तारीख में अमेरिका के अंदर कितना कितना हिंदुस्तान का नाम हुआ। तीन चीजें खास रही मीडिया के अंदर अभी कुछ पिछले एक हफ्ते में, मैं लगातार कई टीवी डिबेट्स पे भी रहा हूँ, पिछले 2 3 दिनों से तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा। हमने यही देखा कि कैसे अमेरिका के अंदर हिंदुस्तान का बोलबाला हुआ, पूरे मुल्क का बोलबाला हुआ, और साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री वहां पे थे, पूरी एक टीम थी उसका हुआ, लेकिन साथ में जो जिक्र चला ये डेमोक्रेसी का, साथ में जो दो चार चीजें ऐसी आई कि कुछ लोगों ने, जो मीडिया रिपोर्ट्स हम देख के कह रहे हैं, उसमें ये भी रहा कि कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन रेज करी, कुछ लोगों के अपने 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 कंसर्न्स थे। तो कहने का मतलब ये है कि डेमोक्रेटिक राइट्स तो सबको है, वहां पे भी उन लोगों ने उस हिसाब से किया, उसी हिसाब से डेमोक्रेटिक राइट्स हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी है। मैं आपको ये बताऊं कि हिंदुस्तान के अंदर जो संविधान है उसकी बहुत अहमियत है, बहुत ज्यादा लोग उसको फॉलो भी करते हैं, लेकिन मैं दोबारा कह रहा हूं कि इतनी जो मेहनतें हो रही हैं लोगों की तरफ से, सरकारों की तरफ से, उन मेहनतों पे कुछ ऐसे लोग हैं जिन पे अगर वक्त रहते हमने लगाम नहीं लगाया, तो जरूर कुछ न कुछ आगे थोड़ी बहुत जो एक होती है ना चिंता की, का जो विषय होता है वो होगी, लेकिन वो चिंता या वो कंसर्न ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है जिस हिसाब से मिस्टर ओबामा ने कहा कि पूरा पुल आउट हो जाएगा या टूट सकता है, या वो चीजें जो है मेरे ख्याल से बेमायने हैं। लेकिन अब ये सवाल जो यहाँ पे उठता है वो यही उठता है कि उन्होंने जो अभी कहा, क्यों कहा, हालांकि चाइना के विगर मुस्लिम्स का भी जिक्र किया, और पहले ये मैं बताऊं कि जब ये खुद प्रेसिडेंट थे और जब हमारे प्रधानमंत्री के साथ एक बड़ा ही कॉर्डियल एक मामला रहा, रिलेशन रहा, उस वक्त ये खुद जो है हिंदुस्तान की विजिट कर रहे हैं या वहां पे जो स्टेटमेंट्स दिए थे, तो जिक्र उन्होंने उस वक्त भी किया था कुछ चीजों का कि यूनिटी ही जो है सबसे बड़ी ताकत है और यूनाइटेड रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको पॉलिटिसाइज करना ऐसे वक्त पे, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न होता है। सर देखिए, धर्म की राजनीति होती है और लगभग सारे कंट्रीज में होती है। अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो अमेरिका में कितने कैथोलिक प्रेसिडेंट बने? दो, एक करंट प्रेसिडेंट जो बाइडेन और इससे पहले जॉन एफ कैनेडी। दूसरी चीज कि एक पार्टी है जिसको बोला पहले बोला जाता था रिपब्लिकन, उसको बोला जाता था व्हाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट। तो ये धर्म की राजनीति नहीं थी क्या? धर्म की राजनीति हर जगह होती है और इंडिया में भी होती है, लेकिन इंडिया का सोशल फैब्रिक कुछ ऐसा है कि यहाँ पर एक आदमी जो कि इंडिया के लिए अच्छा काम कर रहा है उसको उसको परमवीर चक्र भी दिया जाता है, मुस्लिम होगा। एक आदमी जिसने इंडिया की सेवा की, देश की सेवा की, उसको प्रेसिडेंट भी बनाया जाता है। ये सारी चीजें भी ओबामा के सामने, ये फैक्ट्स भी ओबामा के सामने थे, लेकिन क्या ओबामा इल इन्फॉर्म्ड है या ओबामा कहीं ये गलत बयानी ओबामा ने क्यों की? सोशल फैब्रिक का जो आपने जिक्र किया, इंडिया में जो सोशल फैब्रिक है वो बेमिसाल है, इसका इल्म पूरी दुनिया को है, एवरीबडी इज अवेयर ऑफ दिस, और ये जमाने से है।
अब अभी जो बताया ना कि जिस तरीके से ये चर्चाएं हुई हैं और जिस तरीके से ओबामा ने जो स्टेटमेंट दिया है उसमें यही इंटेंशन तो यही है कि कैसे भी एक प्रेशर बनाया जाए और किसी भी तरीके से जो चीजें होती है ना, इंटरनल जो पॉलिटिक्स होती हैं हर मुल्क की, उसमें आपने अभी खुद जिक्र किया कि रिलीजियस फ्रंट पे कौन से मुल्क में इस तरीके का की पॉलिटिक्स नहीं होती है। आप ये छोड़ दें, मैं अगर आपके हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की ही बात करूं, वहां तो मेजोरिटी मुसलमानों की है ना, वहां तो कोई ऐसा नहीं है कि दूसरे का अलग रिलीजन के लोग हैं। वहां की पॉलिटिक्स की सिचुएशन देखिए, वहां के टर्मोइल को देखिए, आपसे ज्यादा इसको कौन जान सकता और समझ सकता है। वहां पे एक ही रिलीजियस की बात है, एक ही रिलीजन की बात है, और उसके बावजूद भी इतने सारे मसाइल रिलीजियस फ्रंट पे भी होते हैं। मैं हमेशा इसका जिक्र करता हूँ, माइनॉरिटीज का जो वहां पे मामला होता है, जो वहां पे हाल है, वो मेरे ख्याल से बहुत ही बड़ा एक कंसर्न है। लेकिन अब आप अमेरिका की बात कर रहे हैं, या अभी आपने खुद कहा कि वहां पे खुद रिलीजन के बेस पे पॉलिटिक्स भी चलती है या होती है, इन तमाम चीजों को देखते हुए इस तरीके का स्टेटमेंट दिया गया है। और अभी मैं दोबारा आपको ये बताऊं कि एक होते है, एक और चीज होती है, एक होते है इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज। एक हर अपने हर कंट्री का अपना एक इंटरनल मैटर होता है और हर कंट्री का अपना एक एक्सटर्नल मैटर और पॉलिसीज होती हैं। जब आप देखते हैं कि कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ जिसमें आपको ज्यादा टांग अड़ाने की जरूरत होती नहीं है, लेकिन अभी मैं आपको बताऊं कि इन्होंने जो ये किया है, इसकी पीछे की जो चीजें जो मीडिया रिपोर्ट्स है वो मुझे नजर आ रही है, जो वो दिख रही है, जिसपे हमें इनफैक्ट कुछ चीजों को इस तरीके से एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम कुछ चीजों पे जरूर कंट्रोल करें और उस चीज को ये देखने की जो जरूरत, जो इससे पहले भी अभी मैं आपसे कह रहा था कि ठीक है रिलीजियस बेस पे पॉलिटिक्स होती है और सभी करते हैं। आपको मैं बताऊं कि क्या हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान है, मुस्लिम लीडर्स है, वो रिलीजन के बेस पे पॉलिटिक्स नहीं करते, वो पोलराइज नहीं करते? ठीक उसी तरीके से जो हिंदू लीडर्स हैं, जो क्रिश्चियन लीडर्स हैं, सबको अपने अपने हिसाब से जीतने की कोशिश होती है, लेकिन सोशल फैब्रिक को बरकरार रखते हुए करना चाहिए। अब ऐसी सिचुएशन में जब मामला ज्यादा बिगड़ जाता है, जब ऐसा वो होता है कि कुछ चीजें विजिबल हो जाती हैं। अब मैं आपको बताऊं, पहले काफी चीजें चर्चा में रही थी, जब आप किसान आंदोलन की बात करते हैं, ग्रेटा और दूसरे जो इवन कमला हारिस की जो भतीजी थी मीना हारिस, या उस तरीके की आवाजें उस वक्त उठी थी, या आप CA NRC की बात करते हैं, लोगों की नजर उस पर बनी रही। ठीक उसी तरीके से अभी अगर जो रेसलर्स का जो इशू चल रहा है उस पर लोगों की नजर बनी है, और आपको मैं बताऊं कि ये तमाम लोग इस मौके के इंतजार में रहते हैं कि जहां कोई अच्छा काम हो रहा हो, जहां भी कोई ऐसी चीज हो रही हो, वहां पे ऐसे मुद्दों को ले आओ ताकि वो बैकफुट पे चले जाए और अच्छे काम को डिरेल कर दें। इसमें जरूरत यह है कि जहां हमने आपको कहा ना कि इतनी अच्छी चीजें चल रही है दुनिया के पटल पे, आज जो हालात चल रहे हैं यूक्रेन और रशिया को देखें, या आज खुद प्राइम मिनिस्टर जो है अब इजिप्ट इजिप्ट जा रहे हैं, इजिप्ट इजिप्ट की भी फाइनेंशियल सिचुएशन देखें, वहां के हालात देखें, या आप रशिया की तरफ जाए, यूक्रेन में जो हालात है उसकी वजह से पूरा जो एक सप्लाई चेन, जो दूसरे प्रॉब्लम्स आ रही है, उन तमाम चीजों को नजर में रखते हुए जिस हिसाब से भारत ने अपनी जगह पूरी दुनिया में बनाई है और पूरी दुनिया में लोगों का दिल जीता है। मैं तो विदेश की धरती पर रहता हूं, मैंने इन चीजों को महसूस किया है, मैंने देखा है, मेरा दिल जो है बिल्कुल सीना चौड़ा होता है चीजों को देख के, जिस तरीके से हमारे मुल्क का नाम हर जगह किया जाता है, और हम ये चाहते हैं कि ये और भी ज्यादा बढ़ता रहे। ये जो स्पेशल स्टेट गेस्ट बन के जो अभी गए हमारे प्रधानमंत्री, वो हमारे हिंदुस्तान को बुलाया गया, हिंदुस्तान की इज्जत दी गई, और वहां पे जो हालात हुए, जो न्यूज देखे हर चीज, तो बहुत ही ज्यादा एक इवन एंटनी ब्लिंकिन ने या जितने भी लोग हैं वहां के, सबने स्टेटमेंट्स दिया कि बहुत ही हिस्टोरिकल और सक्सेसफुल ये एक मीटिंग रही। अब वैसे में जो ब्लैक स्पॉट आ जाता है, जो एक धब्बा लग जाता है, जहां से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, वो ये आ जाती हैं कि कुछ वैसे इश्यूज हैं जिनको हम सही तरीके से कोशिश करें कि उन लोगों की जुबान को तो जरूर हम सही तरीके से उस पे एक कंट्रोल या मैनेज करने की कोशिश करें, ताकि इन लोगों की जुबान हम
पूरी तरह से बंद कर सके। और अभी मैंने आपको एक मिसाल दे दी हेमंत विश्व शर्मा की, और मैंने पहले भी आपसे कहा कि ये तमाम चीजें नोटिस की जाती हैं। इन पहले क्या था, बहुत सी चीजें इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज की बेस पे लोग जो है इंटरफेयर नहीं करते थे। अब जब से सोशल मीडिया का मामला हो गया तो चंद सेकंड्स लगते हैं और खबर जो इधर से उधर हो जाती है, और वहां पे जो लोग हैं जो जो इन चीजों का ख्याल नहीं रखते हैं कि सबके इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज हैं, उनकी अपनी पॉलिसीज है, वो फटाफट अपनी राय देना शुरू कर देते हैं सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे, और वो चीजें जो है आग आग की तरह फैल जाती है। वैसी सिचुएशन में ये हालात बन गए हैं, लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद रोहित भाई आप जानते हैं, मैं भी जानता हूं, हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, जो हमारे एडवर्सरीज हैं या हमारे चाहने वाले लोग हैं, वो सब जानते हैं कि किस तरीके से हमारा भारत पूरी तरह से सक्षम रहा और बहुत अच्छी तरह से अपने आप को दुनिया में वर्ल्ड प्लेयर, वर्ल्ड लीडर की हैसियत से प्रेजेंट कर पाया है। और जब आप देखें कि हर कोई अपने अपने हिसाब से अपना अलाइन करने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को एक जगह फिट करने की कोशिश कर रहा है, और हिंदू भारत का जो है रशिया के साथ इतना अच्छा रिलेशन, और वैसे में अमेरिका उस तरीके का वेलकम देता है, तो ये भी कोई आप आसान काम नहीं है। चाइना की पॉलिसीज को हम जान रहे हैं और हम सब समझ रहे हैं कि क्या ऊंच नीच है। ऐसे में ये तमाम चीजों को कहीं ना कहीं लोग चाहते हैं कि उसको डिरेल भी करें, और उस डिरेल करने में मैं आपको दोबारा कह रहा हूं, और बहुत ही बिल्कुल इसको खुले अल्फाज में कहना चाह रहा हूं कि हमारे सरकार को और हमारी जो एक सेंसिबल जो वहां पे लोग हैं जो इस पॉलिसी को लेके दुनिया में अपना नाम बढ़ा रहे हैं, हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, झंडा ऊंचा कर रहे हैं, उनको इन चीजों पे भी नोटिस जरूर लेने की जरूरत है कि जो वो वीकर पॉइंट्स हैं जहां पे कुछ चंद लोग जो हैं इनके नाम को, इनके पॉलिसीज को, इनके मिशन को, इनके स्लोगन को कहीं ना कहीं डिरेल कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं, उनपे कुछ कुछ ना कुछ कार्रवाई हो या कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता निकाला जाए कि लोगों को ये मौका बिल्कुल नहीं मिल पाए। इन जनरल मैं बताऊं तो भारत से बेहतर कोई जगह नहीं है जहां पे यूनिटी इन डाइवर्सिटी की मिसाल हो। मैं आपको अभी दोबारा कह रहा हूं, आप जैसे, आपसे ही हमारे ताल्लुकात कितने पुराने हैं, ऐसी लाखों करोड़ों मिसालें हैं जहां हम एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं और आगे भी रहेंगे। ऐसे करोड़ों मिसालें हैं जहां आपने अभी खुद कहा कि कोई प्रेसिडेंट बन जाता है भारत के अंदर, कोई हिंदुस्तान के क्रिकेट टीम का कैप्टन बन जाता है, कोई जो है आपके ब्यूरोक्रेसी में टॉप लेवल पे चला जाता है, कोई चाहे आप स्पोर्ट्स की बात करें, चाहे पॉलिटिक्स की बात करें, चाहे आप किसी भी एरिया में आप सिनेमा चले जाते हैं, चाहे सिनेमा फीमेल्स की बात करें, मीमेल्स की, सिनेमा की आप बात कर रहे हैं, आप एंटरटेनमेंट की बात कर रहे हैं, कि आप खान ब्रदर्स वो कैसे वहां इतना ज्यादा नाम करता है, उनको कौन देखता है, उनको तो हमारे सभी लोग देखते हैं ना जो हिंदुस्तान में भारतीय है, और सभी पसंद भी करते हैं। इन जनरल मैं बताऊं तो इससे बेहतर जो एक यूनिटी की मिसाल हो सकती है वो कहीं नहीं मिलती, और हमें हमेशा इस चीज का गर्व है कि हमेशा से हमारे हिंदू भाई, हमारे क्रिश्चियन भाई, सिख भाई ने इस चीज की मिसालें कायम की है। लेकिन मैं दोबारा कह रहा हूं कि जब आप जैसे तालाब में एक बहुत अच्छी चीजें कहते हैं ना, और अगर जरा से अगर कोई चीज गंदगी आ जाती है उसमें, कोई ऐसे स्टेटमेंट्स आ जाते हैं और कुछ उसमें सही तरह, लोग उसको कैच कर लेते हैं, फौरन कोशिश करते हैं कि उसके बेस पे जो है चीजों को वो करते हैं। खास तौर से वैसे स्टेटमेंट जब आप कहते हैं ना, थ्रेटन करने की बात हो या आप गोली मारो उस तरीके की बात हो जाती है, या फिर जब आप कहते हैं कि हम नरसंहार कर सकते हैं या इस तरीके की चीजें हैं, इस पे कानून हमारा इतना स्ट्रांग है, इन तमाम चीजों के बावजूद हमारे मुल्क का संविधान और वहां की जो विल पावर है, वहां की जो सरकार है, वहां के जो लोग हैं, उसमें इतनी संजीदगी है, इतनी सेंसिबिलिटी है, इतना सेंसिबल है, और खास तौर से संविधान के उसके बाद फौरन जो है उनको पता होता है कि कैसे कानून अपना रास्ता लेके उस पे एक्शन भी लेगी। लेकिन उनको ये अंदाजा नहीं होता है कि उनके इस बड़बोले से या उनके इस थोड़े से सिली स्टेटमेंट से या ऐसी हरकतों से दुनिया के वो लोग जो हमें बुरा, हमारे लिए बुरा सोचते हैं, और वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हम जो अच्छा काम कर रहे हैं उस काम में दखल दे के उसको खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें उन लोगों को कहीं ना कहीं ये लोग मौका देते हैं।
अदरवाइज क्या भारत का बोलते हैं तो आपको पता है कि क्या स्थान है आज पूरी पूरी दुनिया के स्टेज पे। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। तो इंडिया का स्थान भी अलग है। थैंक्स अ लॉट आसिफ रमू दाऊदी साहब। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। ओबामा जैसे मतलब प्रेसिडेंट तो बहुत अच्छे थे, लेकिन आजकल उनको कौन फील्ड करता है ये नहीं पता। ये खबर मेरे पास जरूर है कि इनके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट, फॉर्मर जितने भी प्रेसिडेंट है सबके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट भेजी जाती है। कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट तो नहीं थी ऐसी, इसमें ये गारंटी है। ये अखबार भी नहीं पढ़ते हैं और इनको ये भी नहीं पता कि क्यों, क्यों, क्योंकि जब ये प्रेसिडेंट थे इन्होंने ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं यूज की थी। और अब इनका ही वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन गया है। वो वाइस प्रेसिडेंट साइड में एक सोफे में बैठा रहता है, ये प्रेसिडेंट की कुर्सी पे बैठ करके अटेस्ट कर रहे हैं, स्टैम्प मार रहे हैं, तब ये ऐसी लैंग्वेज बोल रहे हैं। थोड़ा सा खतरा जरूर है। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग सर। उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय थैंक हिंद यू सर। वेरी मच रोहित भाई, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय हिंद।